दर्द और उसकी 28 हो गई। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। बड़ी अद्भुत बात कही और यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं। मरीजों के संसारिक तौर से देखा जाए तो मसीह यीशु 100% ह्यूमन और 100% डिवाइन। कई बार कुछ लोग ऐसा सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं अरे वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसके लिए तो सब कुछ संभव है। अरे उसने अगर कोड़े खाए, उसने अगर दर्द दिया, वो अगर क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो क्या बड़ा काम हो गया, वो तो खुद ईश्वर था। लेकिन मर्जी तो मुझे और आपको इस बात को निरंतर याद रखने की आवश्यकता है कि मसीह यीशु जब तक इस संसार में रहा है वो मानवीय रूप में ही रहा है। तो खुदावन के कलाम में ऐसा लिखा है कि मसीह यीशु को भूख लगी जब वो मत्ती 4 अपनी परीक्षाओं को देने के लिए तैयार है। खुदावन के कलाम में मत्ती 4 में लिखा है कि जब वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा तो उसे भूख लगी। यीशु को भूख लगती है। जब उसका मित्र लाजर मर गया तो यीशु रोया। जब उसने अपने पिता की घर को डाकुओं की खो बनते हुए देखा तो यीशु रोया। वो भावनाओं से भरा हुआ है। जब उसने ये देखा कि एक बड़ा टास्क उसके सामने है, उसे एक बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजरना है, उसे बहुत सारे कठिन शारीरिक कष्टों को भोगना है, तो यीशु मसीह के लिए खुदावन के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह व्याकुल हुआ और उसका पसीना लहू बनकर टपक रहा था और उसने अपने पिता से कहा कि अगर हे पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, लेकिन मेरी नहीं अपनी तेरी इच्छा पूरी हो। वो भी शारीरिक कमजोरियों से भरा हुआ मनुष्य है, वो भी शारीरिक कमजोर है, उसको भी दर्द और पीड़ा होती है, वो भी मांस और लहू और हाड़ से बना हुआ मनुष्य है। लगभग 17 घंटे से वो प्यासा है, लगभग 17 घंटे से वो सताया जा रहा है, उसका संपूर्ण लहू बह गया है। लगभग 5,500 से ज्यादा स्कॉलर्स कहते हैं कि 5,480 घाव उसके बदन पर लग चुके हैं। मैं तो लगभग 17 से ज्यादा बड़े बड़े कांटों के द्वारा उसका सर खोद दिया गया है। उसके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जो खून से या घाव से लथपथ ना हो। मरीज बड़ी पीड़ा में है, बड़ी परेशानी में है। उसके कंधे, उसकी जॉइंट्स जो है वो जवाब दे गए हैं, क्योंकि लगभग 185 किलो की सलीब उसके कंधे पर ढोकर लाई गई। मैं तो स्कॉलर्स बताते हैं कि जब वो यूं सलीब पर लटका हुआ है तो उसकी जांघों के ऊपर लगभग 45 किलो वेट है। तो बड़ा परेशान और बड़ा हताश है, बड़ा निराश। मैं तो वो कीले जो उसके हाथों में ठोकी गई वो लगभग 8 इंच लंबी है, जो कि 3x4 साइज की है। छोटा मोटा दर्द नहीं, छोटी मोटी पीड़ा नहीं। मैं और आप कई बार उसके दर्द को बड़े हल्के में लेते हैं और मैं और आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मसीह यीशु ने अपने बदन के ऊपर कोड़े इसलिए खाए कि मेरे सांसारिक अपराध क्षमा कर दिए गए। मेरे तो खुदावंद ने अपने शरीर के एक एक अंग के ऊपर दुख भोगा है मेरे और आपके अपराधों की क्षमा के लिए। इसलिए मसीह यीशु अपने शारीरिक कमजोरी का अनुभव करते हुए भी कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। अगर मैं और आप इसका आत्मिक अर्थ ढूंढे, मैंने मसीह यीशु को उस अगन की वाटिका में एक टास्क दिया गया कि तुझे सारी व्यवस्थाओं को पूरा करते हुए समस्त मानव जोनी के लिए बलि का मेमना बनना है।
वही तो कई बार लोग कहते हैं कि कुछ कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में की गई वो भविष्यवाणियां मसीह यीशु के जीवन में पूरी हुई। लेख मर्जी दो खुदावन के कलाम में लिखा है कि मसीह यीशु ने एक एक उस भविष्यवाणी को पूरा करने का प्रयास किया है जो उसके जीवन के लिए लिखी गई है। लगभग 34 भविष्यवाणियां मसीह यीशु के जीवन के लिए की गई जो उसने मसीह यीशु ने हर एक छोटी से छोटी भविष्यवाणी का को पूरा किया, उसका ध्यान रखा है, यहां तक कि उसके वस्त्र लूट लिए जाएंगे, उसके बदन को दुखों के साथ छलनी कर दिया जाएगा, उसके सर पर कांटों का ताज होगा, वो गधे पर सवार होगा। मैं तो हर एक चीज अगर खुदावंद यीशु मसीह के जीवन का एक एक पहलू देख लिया जाए तो वो सभी उन भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला है जो खुदावंद ने उस मेमने के लिए लिखी है, क्योंकि मसीह यीशु इस कलाम को अच्छे से जानता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर तू सारी व्यवस्था को पूरा करे और अगर एक में भी चूक गया तो क्या लाभ। इसलिए मसीह यीशु नहीं चाहता कि एक भी व्यवस्था या एक भी भविष्यवाणी पूरी किए बिना वो रह जाए। उसी आत्मिक प्यास है उस भविष्यवाणियों को पूरा करने की, उसी आत्मिक प्यास है कि वो संसार के मनुष्यों को बचाए, उसी आत्मिक प्यास है कि उसका इस संसार में आना जाया ना जाए। मैं तो मसीह यीशु को प्यास है इस बात की कि जो विश्वास उसने संसार में बोया है वो विश्वास फलवंत हो जाए। मेरे तो इसीलिए मसीह यीशु ने उस बीज बोने वाले का दृष्टांत अपने चेलों को सिखाया और उन्हें उनसे ये कहा और हमसे ये कहा कि हमें अपने हृदय रूपी भूमि को ऐसी भूमि बनानी है जो हजार गुना फल लाए। मसीह यीशु को ये प्यास है कि जब दूसरे आगमन में मसीह यीशु न्याय के सिंहासन पर बैठ के आवे तो एक भी जिंदगी उस नरक की आग में न जाए, संपूर्ण संसार बचा लिया जाए। एक बड़ी योजना जो सनन की वाटिका में संसार को अनज्ञकारी होने के बाद और श्रापित होने के बाद बचाने की बनाई गई वो योजना मसीह यीशु के मार्फत पूरी हो जाए, इस बात की मसीह यीशु को प्यास है। मैं उसकी प्यास को सिर्फ मैं और आप ही बुझा सकते हैं अपने जीवनों में तौबा की आत्मा को लाकर, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है इशाया 55:1 में कि ओ प्यासो मेरे पास आओ मैं तुम्हें जल दूंगा। मैं खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने कलाम में लिखा, उसने कहा कि जीवन का जल मैं हूं, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। मैं तो खुदावंद यीशु मसीह मुझे आपको जीवन का जल देने के लिए आए। मसीह यीशु को प्यास है अपने पिता की उस आज्ञा को पूरा करने की। मरीजों मुझे और आपको भी अपने जीवन के अंदर जांचने की और परखने की आवश्यकता है कि मेरा और आपका जीवन कहां जा रहा है, क्या मैं और आप अपने परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं जो उसने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी है। अगर खुदावन चाहता, अगर मसीह यीशु चाहता तो वो भी एक व्यवस्था को भी बिना पूरा किए हुए सीधे कलवरी के क्रूस पर चढ़ जाता कि मेरे और आपके अपराध क्षमा कर दिए जाए। सिचुएशन ऐसी बनी है कि जिस समय वो कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ है उस समय फरीसी और सदूसी उसका मजाक उड़ा रहे और उसे कह रहे हैं कि अरे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा कर दिखा, हम विश्वास कर लेंगे कि तू मसीहा है। वो डाकू जो कलवरी के क्रूस पर उसके साथ लटका है वो भी यही कह रहा है कि तू अपने आप को बचा, हम विश्वास कर लेंगे कि तू मसीहा है। मेरे दो खुदावंद यीशु मसीह को अपने जीवन के लिए कुछ भी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक सेट पैटर्न निर्धारित कर दिया है। वो व्यवस्था से ना दाएं भटक सकता ना व्यवस्था से बाएं भटक सकता, वो सिर्फ परमेश्वर की उस व्यवस्था पर ही चल रहा है और चलना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उस व्यवस्था के ऊपर चलकर ही इस संसार का न्याय होगा। इसलिए मत्ती 5:17 में यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं, व्यवस्था को लोप करने नहीं, परंतु व्यवस्था को पूरा करने आया हूं।
इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के हर एक छोटे से छोटे पहलू में उस व्यवस्था को याद रखा है और उसे पूरा किया है। मसीह यीशु को प्यास है उस व्यवस्था को पूरा करने की, मसीह यीशु को प्यास है उस जिम्मेदारी को पूरा करने की जो उसके कंधों पर इस संसार के नजात के लिए दी गई है। भाई आज मैं और आप संसारिकता में इतना ज्यादा बह गए हैं, मैं और आप इस बात को भूल गए कि यह संसार नश्वर है। इस संसार से मुझे और आपको एक दिन जाना है। मैं और आप भूल गए कि संसार रूपी और इस शरीर रूपी डेरा सरीखा मेरा और आपका गिराया जाएगा। खुदा उनके कलाम में जैसे खुदा का दास अय्यूब 14 में कहता है, वो कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए एक ऐसी समय सीमा बांध रखी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। मैं और आप भूल, मुझे आपको लगता है कि संसार में जो कुछ है बस यही है, यही यही जिंदगी है, यही पैसा, यही ऐश मौज, यही संसारिक चीजें, यही संसारिक बातें मेरे जीवन के लिए ही हैं। जो मुझे और आपको करना है वो बस इसी संसार में करना है। मैं और आप आने वाले जीवन की बात नहीं जो रहे, मैं और आप, मैंने और आपने यीशु पास को अनुभव नहीं किया है, मैंने और आपने ये अनुभव नहीं किया है कि मुझे और आपको भी प्यासा रहने की आवश्यकता है कि मैं और आप मसीह यीशु के उस अनंत काल के जीवन में उसके साथ कैसे प्रवेश करने पाए। मैं और आप मसीह यीशु की बाट नहीं जो रहे, मैं और आप संसार की बाट जो रहे। खुदावन चाहता है कि मैं और आप भी उस आत्मिक जीवन की बाट जो है उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए प्यासे हो। खुदावन से कहें, प्रभु जी मैं भी प्यासा हूं कि मैं जब तू बादलों पर आए और न्याय के सिंहासन पर बैठकर मेरा न्याय करे तो प्रभु जी मैं तेरे साथ जाऊं। जैसा यूहन्ना 14 में खुदा का आत्मा मुझे और आपको बताता है, यूहन्ना 14:1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुम मेरे पिता पर विश्वास करते हो वैसे मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। क्या हमें सच में आत्मिक प्यास है कि जहाँ पर हमारा मसीह यीशु रहता है वहाँ पर मैं और आप भी रहने पाए? क्या मुझे और आपको उस निवास स्थान में प्रवेश करने की प्यास है? क्या मुझे और आपको उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने की प्यास है? क्या मुझे और आपको मसीह यीशु की आज्ञा और उसकी शिक्षाओं को पूरा करने की प्यास है? इन रोजों के दिनों में मुझे और आपको अपनी आत्मा को, अपनी जिंदगी को, अपने शरीरों को, अपने मन को जांचने की आवश्यकता कि मैंने और आपने अपने परमेश्वर के लिए क्या किया है। इन दिनों को जाया न जाने दे, बड़ी तौबा की आत्मा के साथ परमेश्वर के सामने आए और खुदावन का धन्यवाद दे उस बड़ी योजना के लिए जो उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए बनाई है। हम सब अपनी आंखों को बंद कर और जिंदा खुदा से प्रार्थना करें कि प्रभु जी तू हमें बचा, खुदावन तू हमें छोड़ा। आज तक मैंने और आपने शायद परमेश्वर की उस अनुग्रह को अनुभव न किया, शायद मैंने और आपने परमेश्वर की उस अनुग्रह को तुच्छ जाना, शायद मैंने और आपने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की उस प्यास को अनुभव न किया हो कि उसकी प्यास मुझे और आपको बचाने की है। लेकिन खुदावंद ने जबकि मुझे और आपको यह मौका दिया है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सिर्फ जीवितों को तौबा करने का अधिकार, खुदावंद ने जबकि मुझे और आपको इस संसार में जीवित रखा है कि मैं और आप तौबा करें, खुदावंद के चरणों में और अपने मन के अंदर उस प्यास को जगाए और मसीह यीशु रूपी उस जल को अपनी आत्मा में पिए जिससे कि मैं और आप उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने योग्य बने और मसीह यीशु का इस संसार में आने का उद्देश्य पूरा हो जाए। हम सब दुआ में प्रसन्न।